पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सह पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने से पहले भाजपा प्रत्याशी सह सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदनी नगर शहर के बाजार स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद शिवाजी मैदान में एक कार्यक्रम कर पलामू समाहरणालय पहुंचे और पलामू उपायुक्त शशि रंजन के समक्ष अपना नामांकन किया। नामांकन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बाल मुकुंद सराय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मेदनी नगर के शिवाजी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद शिवाजी मैदान से समाहरणालय तक रोड शो निकाली गई, जिसमें भाजपा के हजारों नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा प्रत्याशी सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि उन्होंने आज अपना नामांकन किया है और 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने पलामू में बेहतर कार्य किया है और इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वे पलामू लोकसभा क्षेत्र में आम जनताओं की हर सुविधाएं मुहैया कराएंगे। पलायन, सिंचाई, बिजली समेत अन्य समस्याओं से निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।